वेलकम बैक टू किम्पीज किचन। आज बहुत मन कर रहा है पिज्जा खाने का, तो किचन में चलते हैं और पिज्जा बनाते हैं। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पिज्जा बेस लिया है, मस्टर्ड सॉस ली है, पिज्जा स्प्रेड लिया है, पिज्जा ओरिगैनो सीजनिंग ली है, सॉल्ट लिया है, ब्लैक पेपर लिया है, टोमेटो केचप ली है, मोज़रेला चीज़ लिया जिसे ग्रेट करा है मैंने, फिर चॉप्ड कैप्सिकम ली है, फिर चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टोमेटोस और बॉयल्ड कॉर्न्स ली है और ग्रेटेड कैरेट लिए हैं। पिज़्ज़ा बेस को अपने तवे पे दोनों साइड से क्रंची बना लेंगे। अब ये क्रंची हो गया है, अब मैं इस पर मस्टर्ड सॉस, पिज़्ज़ा सॉस और केचप इवनली स्प्रेड करूँगी ऐसे। अभी मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ और मैं केचप लगा रही हूँ। अब मैं इस पर अपनी ग्रेटेड कैरेट्स डालूँगी और हम कैरेट्स का ही बेस बनाएंगे। अब मैं इस पे अपनी दूसरी वेजीज डालूंगी, ये टोमेटोज डाल रही हूँ, अब अनियंस डालूंगी और ऐसे स्प्रेड करूंगी। अब मैं कैप्सिकम डालूंगी, कैप्सिकम मैंने लंबा लंबा काट के डाला है, आप चाहें तो और छोटा भी कर सकते हैं। अब मैं इस पे अपने बॉइल्ड कॉर्न्स डालूंगी, आप बेबी कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करूंगी, क्योंकि मेरे पिज़्ज़ा सॉस में ऑलरेडी नमक है, तो मैं बिल्कुल हल्का हल्का ही स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब मैं अपना मोज़रेला चीज़ डालूंगी और स्प्रेड करूंगी इवनली। पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल रेडी है, इसको हाई रैक पे रखेंगे माइक्रोवेव में और पिज़्ज़ा मोड सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, इसको निकाल लेते हैं फटाफट। अब मैं इसमें ओरिगैनो स्प्रिंकल करूँगी और ये बिल्कुल रेडी है, इसको स्लाइसेस में काटें और सर्व करें। आपको कैसी लगी मेरी ये पिज्जा रेसिपी? अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।